महाराज जी, क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं? जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं, तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता कहीं भेद नहीं है। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सतगुण हैं और शिव जी तमगुण हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? ये बात विचार दृष्टि से ठीक है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करता है और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए केवल सतोगुण नहीं, कोई कार्य करना है तो वहाँ रजोगुण की निश्चित साथ में आवश्यकता होती है, और इसलिए ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कर्ता के रूप में एक रजोगुण के रूप में कहा गया है। विष्णु शांतम शाश्वतम है, शांताकारम भुजगशयनम, और शांत स्थिति जो है वो सत्वगुण का स्वभाव और प्रभाव है। और जहाँ तक शिव की बात है, तमोगुण के रूप में, क्योंकि शिव संहारक हैं सृष्टि के प्रलय के मूल में, तो वो स्थिति जब आती है तो वो एक तमोगुण के रूप में ही आती है, तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ये उचित ही है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आ गए होए। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनको श्री गीता जी में किस संज्ञा से संबोधित किया गया है, उनको क्या उपमा दी गई है? आपको गीता जी से रूबरू कराते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अपने आत्माओं, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं ही हूँ, मेरे कारण ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इन में नहीं और ये मुझ में नहीं। सतगुण विष्णु जी से सतीथि, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और तमगुण शिव जी से संहार, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ज्योति निरंजन काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, इनको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है, तो जिस कारण से ये अपने इन तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी से निकल रहे रजगुण जैसे अपनी संचार प्रणाली है, इसका एक टावर होता है, वो टावर एक स्थान पर होता है, तो वहाँ से निकल रही उसकी तरंगे वहाँ के अक्षेत्र के जितने भी मोबाइल हैं उससे कनेक्टेड हैं, उन सबको वो गति देता है, प्रभावित करता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अपने अपने राजधानियों ऊपर लोकों में, अपने अपने लोकों में साकार हैं, और इनसे निकल रही ये तरंगे, इनकी रेंज
इनकी तरंगे जो हैं, इनकी ये तीनों लोकों पर इनकी रेंज है, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। जितने भी प्राणी इनके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मा जी से निकल रहे रजोगुण की तरंगे उनको प्रभावित करती हैं, जिस कारण से वो संतानों उत्पत्ति करती हैं, विवश है। और ऐसे श्री शिव जी के से संहार होता है, वो तमोगुण की तरंगे उससे निकलती हैं, और भगवान विष्णु जी से सतोगुण की तरंगे निकलती हैं, जिससे हम एक दूसरे में मोह ममता, बच्चा संतान में मोह, संपत्ति में मोह, पति पत्नी की आपस में ममता, जिससे हम यहाँ टिके रहते हैं। तो इन तीनों भगवानों से जो कुछ भी हो रहा है, ये काल कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि ये इसका निमित्त मैं ही हूँ, मुझसे ही हो रहे हैं ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो इनसे अलग है। एक बार फिर प्रमाणित करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये तीनों नाशवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद देवी भागवत संक्षिप्त सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी वाली, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ में, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जग जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी के, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित नहीं है अर्थात हम अविनाशी नहीं है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से उत्प्रगट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी प्रसन्न उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आह, नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अपने आत्माओं, श्रीमद देवी भागवत तीसरे स्कंद पृष्ठ 123 पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये तीनों नाशवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, और तीसरा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी को सुख दे सकते, ना किसी को दुख से दे सकते, ना किसी की ये आयु बढ़ा सकते, ना किसी के पाप संस्कार को काट सकते, ये अपने भी पाप का नाश नहीं कर सकते, अपने भी श्राप का नाश नहीं कर सकते, प्रमाण देंगे आने वाले समय में। और चौथा कंसेप्ट ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि प्रसंग अब चलेगा कि ये तीनों गुण क्या हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता हम समझ सकेंगे। अब यहाँ फिर देखिए, श्री संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके संक्षिप्त शिव पुराण और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल, ओनली हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 110 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। यह है रुद्र संहिता,
और प्रश्न नंबर 110 पे नौवा अध्याय रुद्र संहिता का नौवा अध्याय समाप्त हो रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इनसे अलग है इनका पिता। अब प्रसंग चल रहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, फिर देख लिए ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके एक प्रकाशक व मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजगुण रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ठीक, अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद देवी भागवत, जिसमें हिंदी भी साथ है और संस्कृत भी साथ। देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके तीसरे सकंद में ले चलते हैं आप जी को। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, अब तीसरा सकंद प्रारंभ हो गया। अब इसके 11वें पृष्ठ पे हम आपको ले चलते हैं, तीसरा सकंद आप पढ़ रहे हैं और 5वां अध्याय तीसरे सकंद का 5वें अध्याय का 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे, श्लोक। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, शंकर जी कह रहे हैं, और ब्रह्मा रजोगुण, ब्रह्मा को क्यों रजोगुण बनाया, हरि को सतोगुण युक्त क्यों किए। अब यदि हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत पढ़िएगा ये 8वां। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता चाहे, यदि आप हम पर दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों बना दिया, क्या बना दिया, कथम अहम विहिता चाहे, फिर क्यों मैं बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया, और विसुहित किमो हरि सतोगुण, और सुहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु भगवान को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म अलग अलग हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है एंड मुद्रक है, मुद्रित है, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा प्रथम अंश अध्याय 22 और मंत्र नंबर 58 में, ये देखिएगा प्रथम अंश अध्याय नंबर 22 और इसका यहाँ ये श्री विष्णु पुराण है, नीचे ये 58 नंबर है। इसमें संस्कृत भी साथ है, ये संस्कृत साथ है। ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म प्रधाना ब्रह्म सत्य, ब्रह्मा विष्णु शिव ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, यानी ब्रह्म ये काल है, ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है, इससे न्यून देवतागण है। बुनात्मा, अब आप जी पवित्र श्री मद भगवत गीता जी को समझ सकेंगे। 7वें अध्याय को अब आपके समक्ष पुनः रूबरू कराते हैं, क्योंकि गीता जी पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत पढ़ रहे हैं,
वो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सके, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये सभी संत गुरु जितने भी ऋषि महर्षि थे ये सब अज्ञानी थे। अब लगभग 5000 से ऊपर वर्ष हो गए हैं श्रीमद् भगवत गीता जी को इसको अंकित हुए लिखे हुए, और इतने वर्ष हो गए हैं पवित्र 18 पुराणों को, पवित्र 4 वेदों को, और आज तक इनके विषय में ये हमारे हिंदू धर्म के गुरु लोग हमें कह कह भी नहीं बता सके इसके विषय। सिर्फ उबाई बक रहे हैं, किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं था, ना पुराणों के विषय में, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित थे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता जी हमें क्या निर्णायक ज्ञान दे रही है। 7वां अध्याय फिर पढ़िए, यह है श्रीमद् भगवद गीता। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अब हम 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और इसका 12वां श्लोक अब आराम से समझ में आएगा। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी श्री विष्णु जी से जो सतीति हो रही है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। पुण्यात्मा ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु और शिव, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये इसके पुत्र हैं, और इसके एक ब्रह्मांड में ये विभागीय मंत्री हैं, और काल एक ब्रह्मांड का ये एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है। इस तरह के इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और इस ब्रह्म से नेक्स्ट जो और परमात्मा है वो परब्रह्म कहलाता है, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीनों प्रभुओं के पुरुषों की जानकारी है। 16वें श्लोक में कहा कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इन सबके स्थूल शरीर नाशवान हैं, और इनके भी। और फिर 15वें जाए के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, यानी वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी सब नाशवान हैं, लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अवय ईश्वर, वो अविनाशी प्रभु है, परमेश्वर है। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता से कहा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्पर्म के बारे में जानकारी दी है कि उसके बारे में ज्ञान होने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, सब कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो साधक फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस सर्व ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म से इनसे अलग है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो असंग ब्रह्मांड का मालिक है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री है, और इनको जो कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक, वो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको, वो भ्रमित कर रहे हैं पुण्यात्माओं को।
अब देखिएगा सातवें श्लोक में आपने देखा कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी सती थी, उत्पत्ति सती थी और संहार हो रहा है, उसका मुख्य कारण ये गीता ज्ञान दाता काल कह रहा है ब्रह्म कि उसका मुख्य कारण मैं हूँ। आगे पढ़िए अब तेरहवें श्लोक में क्या कहा, सातवें अध्याय के, ये तो आपने बारहवां पढ़ लिया, अब तेरहवें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव से, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे यानी इनसे अलग मुझे, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मुझे नहीं जानते, ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। अब चौदहवें श्लोक में कमाल कर दिया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो ये क्रियाएं हो रही हैं ये त्रिगुणमयी माया कहलाती है, ये बड़ी दुस्तर है यानी खतरनाक है, और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जो ब्रह्म की पूजा करते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इनसे ऊपर उठ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। और पंद्रहवें में कमाल कर दिया, माया के द्वारा त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिसकी बुद्धि सीमित हो चुकी है, इन्हीं से मिलने वाले ज्ञान तक उस आधारित हैं, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हैं, और इनसे आगे किसी की पूजा करने को और सुनने को तैयार नहीं। कहा कि माया के द्वारा त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से मिलने वाले अस्थाई लाभ के कारण ही जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के पुजारियों को गीता जी में क्या उपमा दी जा रही है, आसुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, ये ब्रह्म कह रहा है मुझे को, मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं जो ये कह रहे हैं गौरव के साथ कि हमारा इष्ट श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी हैं, अब उन पुण्यात्माओं ने पुनर्विचार करना पड़ेगा, इसको मान बड़ाई ईर्षा ना रखें, इसको हार जीत का विषय ना बना के इस तत्व ज्ञान को समझें, और अगर ये गुरु लोग मान गए इस बात को, सच्चाई को मानना तो इनको पड़ेगा, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज, मानव समाज शिक्षित है और ये सदग्रंथ हमारे हिंदी में अनुवादित हैं, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं, और इस दास के पास वो तत्व ज्ञान है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से कहा गया है वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ और वो फिर आपको उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताएंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से ही जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त होगी। अपुनात्मों ये स्पष्ट हो गया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है कि वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते, ब्रह्म साधना नहीं करते। अपुनात्मों जैसे एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, उसने तमोगुण भगवान शिव की पूजा की थी, 12 वर्ष तक शिरासन पर नीचे को सिर ऊपर को पैर किए, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मांग साधक क्या मांगता है,
तो भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मैं मांगू। शिव जी वचनबद्ध हो गए, उसी समय खड़ा हो गया सीधा और कहा कि जो आपके पास भस्म कड़ा है वो भस्म कंडा मुझे दे दो। उसमें क्या शक्ति थी भस्म कड़े में कि जिसके सिर के ऊपर रख के ये कह दिया भस्म, वो भस्म हो जाता था, वो खत्म हो जाता था, जल कर राख बन जाता था। और उस भस्मागिरी के मन में क्या दोष था कि भगवान शंकर जी से ये भस्म कड़ा प्राप्त करके शिव जी को मारूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो पुण्यात्मा, इससे दुष्ट और नीच व्यक्ति कौन होगा? अपनी ही माँ को, क्योंकि इष्ट की पत्नी को और बुरी नजर रखता है। तो ये तमोगुण शिव का उपासक फिर राक्षस कहलाया। भगवान शिव ने ज्यों ही उसको भस्म कंडा दे दिया, तब वो शिव का पुजारी, तमोगुण शिव का पुजारी कहता है कि होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। बड़ा हंसा फिर भगवान शिव जी, डर के भाग लिए। पुण्यात्माओं, यदि ये मृत्युंजय कालज्जय सर्वेश्वर महेश्वर होते तो शिव जी भागते नहीं, अविनाशी होते नहीं भागते, ये नाशवान है, इसलिए ये भागे। आगे भगवान ने पार्वती रूप बनाकर उस भस्मागिरी को गंधत नाथ नाथ नचा के और उसकी मृत्यु की, उसकी उसको भस्म किया और फिर वो कड़ा ला करके भगवान शंकर को दिया। तो ये फिर भस्मा असुर कहलाया, भस्मा असुर, ये तमोगुण शिव का उपासक, ऐसा जुल्म किया इसने। और रावण भगवान शिव तमोगुण का उपासक था, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया, अपनी ही माता सीता को उठा ले गया, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं। और ब्रह्मा शिव का उपासक तमोगुण का, उसके बड़े भाई की पत्नी सीता और सीता को उठा ले गया, तो वो माता थी। और माता को उठा लेना, दुष्ट इंसान उसके साथ फिर दुष्कर्म करने की चेष्टा करता हो तो माता में शक्ति थी, वो दुष्ट निकट नहीं आ सके। तो शंकर भगवान तमोगुण शिव के उपासक, रावण राक्षस कहलाया और आज तक निंदित है वो। अब रजोगुण भगवान ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, उसके बाद हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गया, आप ही भगवान सिद्ध हो गया बनने लगा और अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया और भगवान ने एक विशेष रूप धारण करके उस दुष्ट को मारा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा ऐसी थी। अब रजोगुण के उपासक राक्षस कहलाए, तमोगुण के उपासक राक्षस कहलाए, अब सतोगुण के उपासक। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ के मेले का अवसर हुआ, पर भी लगनी थी, सभी ये त्रिगुण उपासक गिरी पुरी नागा कनपाड़े नाथ और वैष्णो, ये सारे त्रिगुण उपासक हैं, ये वहाँ स्नानार्थ चले गए, कहाँ हर की पैड़ियों पे, हरिद्वार में, वहाँ अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, गिरी अलग, पुरी अलग और सन्यासी अलग, नागा अलग से और वैष्णो अलग से, नाथ अलग से, ऐसे ऐसे सभी अपने अपने समूह में एकत्रित हुए। जब पर भी लगने का समय आया, सभी पूरे मंडलेश्वर पूरे ग्रुप के अंदर वो चल पड़ते हैं, समूह के समूह। सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए, खड़े हो गए पूरी पैड़ियों को घेर कर। पीछे से ये नागा तमोगुण शिव के उपासक, पीछे से विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु आ गए, वो पूरा ग्रुप कई हजारों का। उन्होंने विष्णु उपासकों ने, सतगुण विष्णु के उपासकों ने कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना,
हम भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम बाद में स्नान करना। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र नी इच्छा रहते हैं और प्रथम स्नान हम करेंगे। तो वैष्णो साधुओं ने, सतोगुण विष्णु जी के साधुओं ने कहा, उपासकों ने कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते हो, सरड़ फरड़ राख लपेट रखी है, तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, खबरदार जो तुमने स्नान किया। इसी बात पर कहा सुनी हुई और झगड़ा शुरू हो गया। एक दूसरे को तलवारों से, तीरों से कतलेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक 25,000 आपस में कटका मर गए, कतलेआम हो गया। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कहावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है कि तीर तलवार कटारी एक दूसरे के ठोक दिन छुर्रे घोंप रहे हैं और वह साधु के लावे, तीर तुपक तलवार कटारी व जमधड़ जोर बधावे हैं, डट कर झगड़ा कर लड़ रहे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, और वहाँ जा कर्द चलावे हैं, वहाँ तलवार चला रहे हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, दया का नाम नहीं इनके, और वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी वो नरक पठावे। यानी उन संतों के पास भी कोई जाता है वो इनकम्प्लीट ज्ञान दंत कथा सुनाते हैं और ऐसे स्वभाव का बना देते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुणों के उपासक, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहती ब्रह्म कहता मेरी पूजा भी नहीं करते। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी, मेरी जो पूजा करते चार प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होता है जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से ही अपने अनुष्ठान करता है, वो किसी और अन्य जंतर मंत्र का सहारा नहीं लेता, वो हैं तो ब्रह्म उपासक लेकिन वो ठीक नहीं उनकी पूजा। दूसरे धन लाभ के लिए अर्थार्थी, अर्थार्थी जो है वो धन लाभ के लिए वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं, वो किसी और जंतर मंत्र का सहयोग नहीं लेते। इसी प्रकार आर्त यानी संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही वो अनुष्ठान करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों से मिलने गए, जिसने भी जैसा उनको खचड़ा ज्ञान दे दिया उसके आधार से वो फिर संत बन जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं, ये भी रिजेक्टेड है तीनों। चौथा ज्ञानी, अब ज्ञानी के विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी अच्छी आत्माएं हैं। ज्ञानी वो होता है जिसने ये पता लग गया, ये जान लिया कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति करना और मोक्ष कराना ही है, और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि वेदों और गीता जी में ये स्पष्ट किया हुआ है केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करने से जीव का जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन इन ज्ञानी आत्माओं को जो चौथे प्रकार के हैं, इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से इन्होंने स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम को यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अथम इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर
ओम नाम का जाप करो, तब तुम्हारा शरीर जब छूटेगा उस समय तुम्हें ओम नाम के जाप से जो जितना भी अमृतो प्राप्त हो सकता है वो प्राप्त हो जाएगा। ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी 10 नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं है। फिर इसलिए कहा कि ज्ञानी आत्मा, इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने ओम नाम को और उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया और ओम नाम का जाप किया, फिर साथ में हठ योग किए। हठ योग किसी भी वेद या गीता जी में नहीं लिखा, ये गलत साधना है, शास्त्र विधि विरुद्ध है, शास्त्र विहित वर्ग क्रम नहीं है। जो हठ योग मेडिटेशन तप करते हैं, घोर तप करते हैं, ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, क्योंकि ये हठ योग की बीमारी कहाँ से लगी? तो इस मेडिटेशन की। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे, इनको स्वयं पता नहीं तू कौन है, कहाँ से जन्म हो गया, मेरा कौन पिता है, कौन माता है। उस समय आकाशवाणी की इस ब्रह्म ने, काल ने कि तप करो तप करो, ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया कमल पर बैठकर, फिर कहा सृष्टि करो। तो ये इस ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्म के आदेश को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और उस आदेश से इसने ये हठ योग को, इस मेडिटेशन को, हठ योग को, तप को सभी के अंदर समावेश कर दिया। सभी ने फिर ऐसा ही करना शुरू कर दिया और वो पूर्ण परमात्मा का आदेश मानकर, ये पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं था, ये इस ब्रह्म का आदेश है, ब्रह्म का, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है। तो इन इस वेदों को इसने बाद में प्राप्ति हुई, वेद बाद में मिले ब्रह्मा जी ने, फिर वेदों में ओम नाम मिल गया। इन्होंने ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र नहीं है ओम। गीता जी 10 नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ये ओम तत् सत से उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना है, उसका लाभ प्राप्त होता है, इसी का निर्देश है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना इन 3 मंत्र के जाप से होती है। ओम तो ब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् जो है ये अक्षर पुरुष का, जो गीता जी 10 नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सर्वब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो और परम अक्षर ब्रह्म कहो, इन तीनों को अलग अलग ऐसे भी बोला जाता है। तो इन तीनों के मंत्र हैं, इन तीनों के जाप मंत्र करने से ही परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म का और ये तत् सांकेतिक, ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक है, दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं मुझे इसका ज्ञान दिया है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र, ये तीनों मिलकर इनके जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यहाँ इन ऋषियों ने क्या किया कि स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया, इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और केवल ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग किया, जिससे इनको प्रभु नहीं मिला। क्योंकि गीता जी 10 नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कहता है कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप जो तूने अब देखा विराट रूप, ये पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा था और ना ही आगे कोई संभव देख लेगा, ये तो मैंने अनुग्रह करके तुझे दिखा है। तो पुण्यात्मा कहता है कि ना, इसकी मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, काल की प्राप्ति, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, मेरे दर्शन यानी मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से ये परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इस कारण से इनको भगवान मिला नहीं। इन्होंने अपनी थ्योरी बना दी परमात्मा निराकार है और प्रभु मिला नहीं। इनमें सिद्धियां आ गई ओम नाम के जाप से, हठ योग से इनकी बैटरी चार्ज हो गई, इनमें सिद्धियां आ गई और फिर इन्होंने इन सिद्धियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये काल पहले ऐसे हठ योग करा के इनको सिद्धि युक्त कर लेता है, फिर अपने ही रिमोट से इनको यहां फंसाए रखता है। पुणात्मा एक चुनक नाम का ऋषि था,
उसने ऐसे ही वेदों अनुसार, वो ज्ञानी आत्मा था, उसने वेदों के अतिरिक्त कोई किसी का जो है ना आश्रय नहीं लिया, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति के उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मान कर और ब्रह्मा से सुने हुए हठ योग को परमात्मा का आदेश आकाशवाणी मानकर उसी तरह साधना की। हजारों वर्षों तक साधना करता रहा, प्रभु मिला नहीं, एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासक था, और उसने सोचा कि कोई तेरे शासन काल में तेरी प्राधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता है, यानी ट्राई करके देख लूं। तो उसने क्या किया, मानधाता चक्रवर्ती राजा ने एक घोड़ा, अपने वाला घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट टांग दिया गले में, कि भी जिसने राजा की प्राधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ कर बांध ले। राजा के पास बेहतर सोनी सेना है, बेहतर करोड़, और युद्ध करने के लिए तैयार हो जावे। वो घोड़ा सब जगह घूमया। अब चुनक ऋषि ने पूछा उन घोड़े के साथ जो और भी सवार थे उनसे कि भी क्या बात है, घुड़सवार थे, घोड़ों पर सवार थे, एक घोड़ा खाली था जिसके गले में ओनली पंपलेट था। तो घुड़सवारों से पूछा, सैनिकों से पूछा चुनक ऋषि ने कि भी कहाँ घूम रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसे क्यों घूम रहे, सारी कहानी पूछी। तो उन घुड़सवारों ने बताई सैनिकों ने कि ऋषि जी ऐसे ऐसे हम मानदाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं, और राजा ने पूरे विश्व में ये घोड़ा घुमा दिया और किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं। पता लगा ऋषि ने सारी कहानी का। अब उस ऋषि ने सोचा भी राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करूं। कहने लगा भी इस घोड़े को मैं पकड़ लूं, मैं पकड़ लेता हूं। तो सैनिक कहने लगे रे कंगाल, ओ कंगले, तेरे दाने खाने नहीं, अरे तू युद्ध करेगा क्यों, तेरी सियात बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आई है, अपना टाइम पास कर ले भक्ति बैठ कर चुप करके। तो ऋषि कहने लगे अभी मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया, थरे तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। कहने का भाव यह है कि राजा को पता चला, उसने गुस्सा आया कि एक आदमी ने इतनी हिम्मत कर दी, कल ने दूसरा करेगा, कभी शर उठाएंगे ऐसे। तो एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना, यानी 72 करोड़ सेना का विभाजन कर लिया 4 टुकड़िया में। तो 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी, 18 सोनी सेना एक बार में मरण के लिए एक व्यक्ति को, और जौन हु कर दे शंख बजाते हुए। उधर से ऋषि ने अपने जीवन काल में इस ज्ञानी आत्मा ने, ब्रह्म के काल के उपासक ने, अपनी सिद्धि से 4 पुतली तैयार कर ली, 4 एटम बम। एक पुतली छोड़ दी, 18 सोनी सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यो है कि मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अपुण्यात्माओं, इंसा चाहे कोई वचन तय करे, शस्त्र से करे, चाहे कोई किसी ने जहर दे दे, वह भी इंसा ही है। तो ऐसे जो किए हुए पाप पाप ही होते हैं। अब ऋषि का काम बकवाद करने का थोड़ा ही होता है, अपना बैठ कर भक्ति कर रहा था, करता रहता। अब काल के हाथ में रिमोट है, पहले तो इन एटम बम बनावे और फिर रिमोट से उनकी दुर्गति करवावे। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है? कहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों हो गया यूं?